नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार। मुकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, और दर्शकों का भी अभिनंदन। तो मुकेश जी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर ट्विटर के जरिए हमलावर हैं। वो लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और अलग अलग तरीकों से सरकार को उसकी खामियां और गलतियां बता रहे हैं। जब देश में आपको याद होगा कि कोरोना ने पैर पसारे ही नहीं थे और इक्का दुक्का मामले थे, तब राहुल गांधी ने सरकार को बीमारी के साथ साथ अर्थव्यवस्था को लेकर भी आगाह किया था। तब सरकार ने उन्हें अनसुना किया। अब एक बार फिर उन्होंने कोरोना से निपटने में सरकार की नाकामियों पर जोरदार तंज कसा है। देश में कोरोना के मामले 11 लाख के पार जा चुके हैं और सामुदायिक संक्रमण का डर बढ़ गया है। ऐसे में राहुल गांधी ने ट्वीट कर कोरोना काल में मोदी सरकार की पिछले 6 महीनों की उपलब्धियां गिनाई हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां, फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6वीं सालगिरह है, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए केंद्रीय सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी, उन्होंने देर नहीं की और उन्होंने ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है, जावड़ेकर ने कहा है कि पिछले 6 महीने के दौरान अपनी उपलब्धियाँ नोट कर लीजिए। फरवरी में शाहीन बाग और दंगे, मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश को खोया, अप्रैल में प्रवासी मजदूरों को भड़काया, मई में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की 6वीं सालगिरह, जून में चीन का बचाव करना और जुलाई में राजस्थान में कांग्रेस का बिखर जाना। तो मुकेश जी, सवाल का जवाब सवाल तो नहीं होता है और बीजेपी पिछले 6 साल से सत्ता में है, लेकिन अब भी विपक्षी दल की तरह रिएक्ट करती है, क्या कहेंगे? अब देखिए, बड़ा अजीब सा लगता है कि प्रकाश जावड़ेकर इस तरह से जवाब दे रहे हैं जो ठीक से जवाब भी नहीं माने जा सकते, क्योंकि वो प्रश्न कर रहे हैं जैसा कि आपने कहा। अब इनके जो जवाब आए उनको आप एक एक करके ले लीजिए। वो कह रहे हैं शाहीन बाग दिल्ली के दंगे, शाहीन बाग पूरे देश भर में आंदोलन हुए सीए के खिलाफ, कहीं कोई कांग्रेस का नाम आया? अगर कांग्रेस इतना बड़ा आंदोलन कर सकती तो ये तो बीजेपी के लिए फिर खूब मरने वाली बात है। कांग्रेस तो फिर बहुत ताकतवर पार्टी है, वो कहीं भी बीजेपी को पटखनी दे सकती थी। तो ये एक झूठ था। दिल्ली के दंगों में आज तक कभी भी किसी ने कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया कि कांग्रेस ने करवाए हैं या कांग्रेस इसमें शामिल थे। जो नाम सामने आ रहे हैं वो ये है कि बीजेपी के लोग थे। तो अब दिल्ली के दंगों में आप कांग्रेस का नाम घसीटना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इस बहाने फिर आप हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं। आगे बढ़िए, ट्रंप को नमस्ते ट्रंप करने के लिए आपने बुलवाया था, उसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी। आपने लाख लोगों को इकट्ठा किया मोटेरा स्टेडियम में, वो तो कांग्रेस ने इकट्ठे नहीं किए थे। फिर और आगे बढ़िए, आपने जो लॉकडाउन लगाया 4 घंटे की नोटिस के बाद, उससे देश भर से मजदूर परेशान हुए, फंस गए और एकदम से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगे। अब क्या कांग्रेस ने उनको भड़काया उकसाया कि आप अपने घर जाओ? और अगर कांग्रेस इतनी मजबूत है तो फिर सरकार को बिल्कुल लचर मानी जानी चाहिए, तो ये भी उसका फेलियर था। मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार गिराई हम सब जानते हैं। ऐसे समय पर सरकार गिराई जब कोरोना का संकट सिर पर बैठा हुआ था और वो सरकार आज तक स्टेबलाइज नहीं हुई है। हम जानते हैं कि इस शिवराज सिंह सरकार ने जिस तरह से काम किया उसकी वजह से वहां कोरोना का संकट और बढ़ा। और अब राजस्थान सरकार को गिराने की जो साजिशें रची जा रही हैं सचिन पायलट से मिलकर, ये सब जानते हैं। जिस तरह से गुड़गांव में उनका इंतजाम किया गया, जो वकील तैनात किए गए हरीश सालवे और मुकुल रोहतगी, वो बीजेपी के खासम खास वकील हैं। तो ये सारे लिंक जुड़ रहे हैं जिसमें साफ है कि आप केवल राजनीति कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी आपको चिंता नहीं है देश की। चीन का मामला लीजिए, क्या चीन को भड़काने की कोशिश राहुल गांधी ने की कि आप आ जाइए, हम भारत की जमीन पर कब्जा कर लीजिए और हमारी सरकार सोई हुई है? तमाम जितने भी बिंदु प्रकाश जावड़ेकर ने उठाए हैं वो दरअसल कुतर्क हैं। ऐसी दलील नहीं है जो किसी के गले उतरे। तो साफ तौर पर बीजेपी के पास जवाब नहीं है। बीजेपी सोच नहीं पा रही कि कांग्रेस के इस अटैक का मुकाबला कैसे करे। और दूसरी बात यह कि ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जानी चाहिए कि वो अटैक करके बीजेपी को मजबूर कर रहे हैं कि
कि वो जवाब दे, और जवाब देती है तो उसके जवाब इस तरह के होते हैं, बहुत ही हल्के, सतही, अनकन्विंसिंग। तो इससे बीजेपी की सभी बीजेपी की प्रतिष्ठा और कमजोर होती है। और जो वो सख्त सरकार होने की बात करते हैं, 56 इंच के सीने की बात करते हैं, वो सब धराशायी हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी की स्पीड भी बिल्कुल सही काम कर रही है, वो बीजेपी को जवाब देने के लिए उकसा रहे हैं, बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है, बीजेपी के पास जवाब है नहीं तो उलटपटांग की स्थिति तर्क दिए जा रहे हैं और उससे वो और एक्सपोज हो रहे हैं। तो जी, ये मुझे लगता है कि सरकार को और बीजेपी को संयत होकर देखना चाहिए, सिर्फ अटैक के लिए अटैक करेंगे तो वो मूर्ति खाएंगे। जी जी मुकेश जी, और राहुल गांधी के ट्वीट के जवाब में जावड़ेकर ने तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के सियासी हालात के लिए भी कांग्रेस को ही कोसा है, जैसे वहां कांग्रेस की सरकार गिराने या स्थिर करने में भाजपा की कोई भूमिका नहीं रही। राजस्थान में तो अभी सरकार कांग्रेस की ही है, लेकिन मध्य प्रदेश में सिंधिया को तोड़ने और अपने गुट में शामिल करने से लेकर राज्यसभा सीट दिलवाने तक का जो खेल भाजपा ने खेला, उसके लिए कांग्रेस को दोष कैसे दे सकती है भाजपा। खैर, इधर राजस्थान का मामला हाईकोर्ट में है, ये हम सब देख रहे हैं, और आज हाईकोर्ट में जो सुनवाई चली और हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक के लिए सचिन पायलट गुट को राहत दे दी है, लेकिन इस पूरे मसले पर सचिन पायलट के जरिए भाजपा एक्सपोज हो रही है, फिर भी खुद को पाक साफ बताने में भाजपा लगी हुई भी है। अब तक के घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है मुकेश जी, क्योंकि अब जो है ये भी खबर आ रही है कि जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो जो है इस पे कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, और हो सकता है, कहा जा रहा है कि शनिवार को शायद फ्लोर टेस्ट की बात हो या बाकी जो भी है, इस घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? देखिए, 3 दिन की मोहलत और मिल गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये मोहलत दोनों के लिए है, गहलोत के लिए भी मोहलत है, क्योंकि वो जो बागी विधायक हैं उनमें से कुछ को वो वापस भी खींच सकते हैं, उनके परिवार वालों से संपर्क करके, उन पर जिनका असर है उनका उनसे संपर्क करके वो कुछ को वापस भी ला सकते हैं, तो ये मोहलत उनके लिए भी है। सचिन पायलट के लिए मोहलत इस लिहाज से है कि वो अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अब उनकी छींछा लेतर इतनी हो गई है और गहलोत ने इतने तरह से उन पर अटैक किए हैं, नकारा, निकम्मे, पार्टी के पीठ पर छुरा भोंकने वाला, और आज गद्दार भी कह दिया। तो जाहिर है कि राजस्थान की राजनीति में ये सारे जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं लफ्ज, वो बड़े सटीक बैठ रहे हैं, फिट हो रहे हैं, क्योंकि वो वहां की राजनीतिक जो शब्दावली, उसके शब्द चुन चुन कर सचिन पायलट के ऊपर फेंक रहे हैं। जो 35 करोड़ का ऑफर देने की बात विधायक से कहलवाई गई है सचिन पायलट की तरफ से, वो भी अपने आप में एक गंभीर आक्रमण है गहलोत कैंप का सचिन पायलट पर। तो सचिन पायलट एक्सपोज हो चुके हैं, बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है, अपने वकीलों को उपलब्ध करा के, अपनी सुविधाएं हरियाणा में उपलब्ध करा के, अब यहाँ से आप देखिए कि पुलिस उनसे पूछताछ करने जाती है और हरियाणा की पुलिस उसे उन्हें रोक देती है, राजस्थान की पुलिस को, कि आप मिल नहीं सकते हो। तो ये पूरा सुनियोजित खेल एक्सपोज हो गया है। तो एक तो ये चीज है, दूसरी बात ये जो 3-4 दिन का समय है, हो सकता है विधानसभा अध्यक्ष तो का स्टेटमेंट आ गया कि वो जो हाईकोर्ट ने कहा है उसका पालन करेंगे, यानी 24 तारीख तक कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाएंगे, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी तो बना ही रहेंगे कि जैसे ही हाईकोर्ट से उन्हें हरी झंडी मिलेगी अब आप अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं, तो क्या करना है। दूसरे मोर्चे पर गहलोत भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे कि क्या इस समय या जितनी जल्दी हो सके एक फ्लोर टेस्ट करवा के इनको बाकी का जो एक्सपोज करना वो भी कर दिया जाए, क्योंकि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो सचिन पायलट एंड कंपनी को आना पड़ेगा वोट डालने। और अगर गहलोत साहब पूरी तरह से आश्वस्त हैं, उनके पास बहुमत है, तो वो वोट डालने आएंगे। अगर व्हिप का उल्लंघन करेंगे, नहीं आएंगे, तब भी उनकी आफत है, आएंगे खिलाफ में वोट करेंगे तब भी मुसीबत है। तो ये गेम गहलोत साहब की तरफ से खेला जा सकता है, अगर वो अपनी तरफ से आश्वस्त होंगे तभी, क्योंकि जोखिम लेना होगा। अगर भीतरघाती और कुछ भी हुए कांग्रेस के अंदर तो पासा उल्टा भी पड़ सकता है। तो ये माप तौल कर, गहलोत बहुत अनुभवी आदमी है, अभी तक जो उन्होंने खेल खेला है तो बहुत ही परिपक्व मजे हुए नेता की तरह खेला है, क्योंकि उन्होंने उसी खेल में मोदी एंड स्टार को
मात दी है जो अभी तक वो खेलते आ रहे थे, जिस तरह से वो खेल रहे थे ये उसी का जवाबी खेल गहलोत ने खेला है और अभी तक बहुत ही शानदार ढंग से खेला है। मुकाबला अभी अपने पक्ष में झुका कर रखा हुआ है, लेकिन अगर अंदर खाने कुछ कमजोरी हुई तो ये गहलोत साहब के लिए भारी पड़ सकता है, तो उनको बहुत नाप तौल कर सोच समझ कर अगला कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश जी, अगर सचिन पायलट की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने अभी तक क्या खोया और क्या पाया, क्या देखते हैं आप? मुझे तो लगता है कि खोया ही खोया है, पाया तो कुछ नहीं है। जिस पाने की उम्मीद में उन्होंने ये बगावत की थी वो तो जो पहले था वो भी वो खो चुके हैं। यानी आप पार्टी के अध्यक्ष थे राजस्थान के, आप उप मुख्यमंत्री थे, आप एक बहुत ही कहना चाहिए कांग्रेस के भविष्य के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे, भावी मुख्यमंत्री भी होते। मुझे लगता है कि साल डेढ़ साल बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया ही जाता, वो बन जाते तो उनके सामने एक बहुत ही अच्छा भविष्य कांग्रेस में अभी तक था। अब वो एक ऐसी जगह पर आके खड़े हो गए हैं जहां ना उनको उनको कांग्रेस तो भरोसा करेगी नहीं, बीजेपी के लिए अभी वो बहुत उपयोगी नहीं है जब तक एक संख्या लेकर वो नहीं आते हैं। लेकर आने के बावजूद उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, सुंदरा राजे वहां तलवार निकाले खड़ी हैं तैयार। तो कहना चाहिए कि ये पूरा खेल ही सचिन पायलट ने बहुत गलत खेला है, वो उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, अपने भविष्य को अंधकार में कर लिया है। ठीक है, अब वो राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता, ना हार और ना ही जीत, तो कल को कोई और दलों लग जाए तो बात दूसरी, लेकिन अगर आप आज की तारीख में बात कर रहे हैं तो सचिन पायलट ने अपना बहुत नुकसान कर लिया, अपनी प्रतिष्ठा खो दी है, एक गद्दार के रूप में अपनी छवि बना ली है, पीठ में छुरा घोंपने वाली जिस पार्टी ने आपको इतने कम समय में दी कि आप यहाँ तक पहुंचे, वहां जाकर आपने एक ऐसा महत्वाकांक्षा पाल कर अपने एक दगाबाजी की और उसकी वजह से आज आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। चारों तरफ से देखें कोई किसी की हमदर्दी उनको नहीं मिल रही है, यानी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो उनके प्रति नरम है, लेकिन मुझे लगता है ये भी स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है कि कांग्रेस हाईकमान अपने युवा नेतृत्व के मामले में उतना कठोर नहीं दिखेगा। बाकी मोर्चा गहलोत संभाल रहे हैं, सुरजेवाला संभाल रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें अब उनके हाथ में नहीं रह गई हैं। सचिन पायलट के हाथ से सब कुछ चला गया, गांधी परिवार का विश्वास भी चला गया, तो अब उनके पास कांग्रेस की तरफ कुछ भी नहीं रह गया है, बीजेपी की तरफ कब क्या मिलेगा कहा नहीं जा सकता। जी जी मुकेश जी, लेकिन सही है कि जो सचिन पायलट हैं वो मतलब खोते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने सब कुछ खो दिया है ऐसा प्रतीत होता है, और उधर कांग्रेस को मात देने की ललक ने भाजपा को इतना आत्मकेंद्रित कर दिया है कि उसे अपनी जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की हार ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है। चाहे कर्नाटक का मामला हो, हमने देखा मध्य प्रदेश का मामला हो, हर जगह जोड़ तोड़ करना बीजेपी की फितरत में शामिल हो चुका है, और अब भी राजस्थान में कांग्रेस के सामने बीजेपी वही खेल खेल रही है, और सियासी शतरंज की बिसात जो है उसमें अब बाजी किसके हाथ लगती है ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या सचिन पायलट जो हैं वो कांग्रेस के साथ रहेंगे, या वो भाजपा में जाएंगे, या उनका कोई अपना दल बनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जनता जनार्दन, आप अपनी आँख नाक और कान खोल कर इस पूरे खेल पर ध्यान दें, क्योंकि इसका असर आप पर और हम सब पर पड़ने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए डीवी लाइव, और मुकेश जी आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों साथियों शुभचिंतकों आपने बहुत ही ध्यान से हमें सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार।